Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सब दिल्ली से आने वाला प्लेन अभी अभी आया। We'll be right back.
आदमी कौन था? कौन सा आदमी? वही जो अभी अभी कत्ल करके तुम्हारी मदद से फरार हो गया। नॉनसेंस, आपका दिमाग तो ठीक है, छोड़िए मेरा हाथ। हटिए, यू आर अंडर अरेस्ट। अभी अभी जो कत्ल हुआ उसमें तुम्हारा हाथ है। हवलदार, पकड़ो इसे। क्या बदतमीजी है। आई एम सॉरी सर। कमिश्नर साहब, आपके शहर ने कत्ल से मेरा स्वागत किया और कातिल 6-7 कदम के फासले से भाग गया, क्योंकि आपकी अकलमंद पुलिस कातिल को छोड़कर मेरे पीछे पड़ गई। इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया, लेकिन तुम्हें काफी सावधानी से रहना होगा। हमारा एक आदमी एयरपोर्ट पर मारा जा चुका है। बदमाशों को तुम्हारे आने की पहले से खबर हो चुकी थी। मेरे आने की खबर आपके अलावा और किस किस को थी? What do you mean? तुम्हारा मतलब है मैंने? जी नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। नमस्ते कमिश्नर साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए 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 सेठ जी, आइए। कैसे मिजाज हैं? इनायत है। अमर, ये शहर के मशहूर रईस सेठ दीनदयाल जी, इन्हीं की वजह से तुम्हें यहाँ भेजा गया। क्या मतलब? आप मुझे पहले से जानते हैं? नहीं बेटा, मैं एक बदकिस्मत इंसान हूँ। दौलत है, इज्जत है, मेरा एक ही वारिस मेरा भतीजा, जिसे बदमाशों ने नशीली दवाओं का आदि बना दिया है। अब वो मौत के किनारे बैठा हुआ है। ये दवाओं का कारोबार बहुत बढ़ता जा रहा है। इस ग्रोह को खत्म करने के लिए मैंने सरकार को अर्जी दी है। आप फिक्र मत करिए सेठ जी, इस गुनाह की टोली को खत्म किए बगैर मैं यहां से जाऊंगा नहीं। स्पीकिंग हो गया? ओके। अमर, तुम्हारे रहने का इंतजाम होटल पार्क में हो गया। थैंक यू सर। चाकू शेरा के हाथ में होता है तो मौत मरने वाले की गर्दन पर होती है। किसी को शक तो नहीं हुआ? मुझे ऐसे सवाल बिल्कुल पसंद नहीं। जो कुछ हुआ कल अखबार में पढ़ लेना। पैसे रखो। उठाओ इसे। गिरी हुई चीज उठाने के लिए झुकना पड़ता और झुकना मेरी आदत नहीं, ये बात याद रखो रॉकी। बहुत खूब, मगर एक बात का ख्याल तुमको भी रहे शेरा, कि तुम्हारी आवाज यहां टेप हो चुकी है। उसका ग्रामोफोन रिकॉर्ड बना लो और जूक बॉक्स में लगा के सुनते रहना। साहब, वो एयरपोर्ट वाला काम साहब सब सुन चुके हैं रॉकी। ये शेरा भी बड़े काम की चीज है। साहब का हुक्म है कि उसे किसी भी कीमत पर अपना परमानेंट मेंबर बना लो। उस जासूस का क्या हाल है? मैंने जग्गू को उसके पीछे लगा दिया, वह आपको रिपोर्ट देगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। मिस्टर अमर, आप तुम्हारे खास मेहमान हैं। आपके लिए तो खास कमरा बुक किया गया है। बॉय, आपका सामान ले जाओ रूम 203 में। थैंक यू, मैं अपना सामान खुद ले जाऊंगा।
है तुम्हारी? बिना मांगे कॉफी ले? आइंदा ऐसा मत करना। आप खड़े क्यों हैं? अपनी तशरीफ रखिए कुर्सी पे। कहिए, कुछ बोलिए। देखिए, आप जरा घूम के मेरे साथ बात कीजिए। क्यों? आपके घर पे से तू? अरे लल्लू तू बैठ 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 ब
तू मेरे को इस दफ्तर में लल्लू मत बोल, तू मुझे महेश ढोलकिया के नाम से पुकारा कर, क्योंकि इस अखबार का मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। अच्छा, लेकिन तुझे ये नौकरी मिली कैसे? अरे यार, नौकरी मिली तो छोकरी थोड़ी मिली है। वो तू भूल गया, अपना दोस्त है ना क्लास में, गोपाल गोपू गोपू, हाँ गोपाल गोपाल गोपाल, उसी के जरिए नौकरी मिली है। उसके बाप के बेटे के नौकर के भतीजे का ही ये दफ्तर है, अखबार उसी का निकलता है। तू नहीं बदले? अरे यार, बदले तेरे दुश्मन, दोस्त कभी बदलते हैं। पहले तू ये बोल, तू यहाँ कैसे आया? बलराज जी, एयरपोर्ट वाले मर्डर के बारे में आप जानते हैं। जगपाल मेरे डिपार्टमेंट का एक बहुत ही होशियार अफसर और मेरा दोस्त था, और मरते वक्त उसकी जबान पे आपका नाम था। आपको शायद ये नहीं मालूम कि जगपाल मेरा भी दोस्त था। मिस्टर अमर, आज के कत्ल की ये वारदात, ये चारों तरफ फैली हुई हिंसा, ये दिन ब दिन बढ़ती हुई डायमंड, गांजे और चरस की स्मगलिंग, आखिर ये सब क्यों? इसी सवाल का जवाब देने में इस शहर में आया हूं। मिस्टर अमर, इस शहर में जो वारदातें हो रही है उसके पीछे एक बहुत बड़े आदमी का हाथ है, मगर हम दोनों की तलाश थी एक सबूत की। महेश, तू इस दफ्तर में काम करता है, तुझे इस केस के बारे में कितना पता है? मेरे को बहुत कुछ मालूम है। वो जिसका मर्डर हुआ था ना, जगपाल, मैं उसके बारे में भी जानता हूँ। उसकी एक बुलबुल थी, उसको भी जानता हूँ, और उसकी बुलबुल जिंदा है, और साली आजकल सड़कों पे गाना वाना गाती है। तो मेरी खातिर अपने दफ्तर से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले सकता है? कैसी बात करता है यार, तू दफ्तर की बात करता है, मैं सारे जहान को छोड़ दूंगा, लेकिन तू मेरे को बोल तो सही, काम क्या करना है? मुझे तेरे से यही उम्मीद थी। तो जानता मैं कौन? नहीं, गाड़ी रोको। क्यों? कोई हमारा पीछा कर रहा है। यार, पीछा कर रहा है तो करने दो, अपन कौन सी लड़की है जिसको समाज का डर हो? तुम बोलते बहुत हो, गाड़ी रोको। ओके ओके। सुनिए जी, आप सबसे नजदीक वाले पुलिस स्टेशन में जाके मेरी रिपोर्ट लिखवा दीजिए। क्यों जी? क्योंकि मैं आपकी गाड़ी की चाबी समुद्र में फेंकने वाला हूं। व्हाट इज योर ख्याल? उधर देखो। अरे साला, ये तो कोई मैकेनिक की औलाद लगता है, बगैर चाबी के गाड़ी स्टार्ट करना मांगता है। कर दिया। चलो इसका पीछा करो। ओके बॉस। How do you do? Just like a laddu, one piece, two. Chalna. Chalta hai yaar, kya tha kya? Arre. Abbe aankh maru, chal. Haan, chalta hai yaar, chalta. ढोलक नहीं, महेश बोल। महेश महेश, लड़की देख रहा है? हाँ, लड़की देख रहा हूँ, उस पर नजर रखना। नजर रखी हुई है, और अगर जरूरत पड़े तो उसका पीछा करना। और कुछ कर दे, माफ कर यार, ये गलती होगी, मजा किया। इडियट। थैंक
थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। माफ कीजिएगा, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं लतिका पवार की औलाद हूँ। मेरी आँख खुद ब खुद फड़कती है, जानबूझ के कुछ नहीं करता। आप इस लाइब्रेरी के मेंबर हैं क्या? जी नहीं, मैं इस मेंबर का लाइब्रेरी हूँ। टाइम क्या हुआ है? मेरे पास घड़ी नहीं। अच्छा, आप कहीं भिंडी बाजार वाली करुणा ईरानी तो नहीं है? जी नहीं, मैं उल्लास नगर वाली कमला ठंडारी हूँ। अच्छा, लेकिन आपकी शक्ल करुणा ईरानी से बहुत मिलती जुलती है। अच्छा, इससे भी मिलती है? ये जरा साइज बड़ा है। खाएंगे आप? खाना खा के आया हूँ मैं। Excuse me, sir. I am not gun. I am only da. आप घास खाएंगे? चार! ये क्या है? क्या है? ये डंडा है, लेकिन इसके साथ में गिल्ली नहीं है। आप लोग गिल्ली डंडू खेलेंगे। प्रताप, शर्म नहीं आती तुझे सड़क पर भी लड़कियों का पीछा करते हुए? हवलदार साहब, अगर आपको इस बात पे एतराज है तो वो चाल में आप चलिए, मैं आपका पीछा करूंगा। उस लड़की से माफी मांग ले। कैसे माफी मांगू? वो लड़की तो गई। मैं आपसे माफी मांगूंगा। मांग क्या? माफ कर दो दीदी। क्या कहा? अबे दीदी बोला, दादी थोड़ी बोला। साहब आप यहाँ मौजूद हैं? कहिए क्या ऑर्डर दूं? हिलो मत, वरना खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। अब फटाफट यहाँ आने की वजह और भेजने वाले का नाम बताओ। तुम मेरी जुबान नहीं खोल सकते। जुबान खुलाना मुझे अच्छी तरह आता है। क्या हाथ में रिवॉल्वर रखकर बुजदिलों के जैसा मारता है? अमीने, तुम लोगों में से है जिन्होंने मेरे दोस्त का खून किया था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लीजिए अपना पार्सल संभालिए। कौन है ये? ये तो आप ही जानिए। वैसे आपकी होटल की मेहमान नवाजी का जवाब नहीं, मेरी गैर मौजूदगी में ये मेरे कमरे की देखभाल कर रहा था रिवॉल्वर लेके। इसका पता मैं लगाऊंगा, लेकिन मिस्टर अमर पुलिस को खबर मत कीजिए प्लीज, होटल की बदनामी होगी। नहीं करूंगा। थैंक यू।
मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बैठो अमर, आज का पेपर तुमने पढ़ा? डेली न्यूज का एडिटर बलराज मेरा पुराना दोस्त था, कल रात बेचारा अपने ऑफिस में ही मर गया। मौत की वजह का पता चला? हाँ, पुराना दिल का मरीज था, तीसरे दौरे में खत्म हो गया। क्या कहा आपने, दिल का दौरा? यस, मैंने लाश का पोस्टमार्टम भी करवाया। डॉक्टर शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में मौत की वजह दिल का दौरा बताया। ये नहीं हो सकता सर, बलराज जी की मौत दिल के दौरे से नहीं बल्कि उनका कत्ल किया गया। क्या कह रहे हो तुम? ये रही डॉक्टर शर्मा की रिपोर्ट। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसमें डॉक्टर शर्मा भी शामिल है। अमर, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ, और मैं अपनी बात को साबित करने जा रहा हूं। कौन है आप? ओह, प्लीज सिट डाउन। आपने अपना जमीर कितने रुपए में बेचा? जमीर? रुपया? क्या कहना चाहते हैं आप? डॉक्टर शर्मा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि एडिटर बलराज की मौत गला दबाने से हुई है, मगर आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस गुनाह पर पर्दा डाल रही है। इस गुनाह को छुपाने के लिए आपने कितने रुपए लिए? मिस्टर अमर, अपने पेशे की अच्छाई और बुराई को मद्देनजर रखते हुए मुझे जो कुछ भी करना चाहिए था वो मैंने किया है। अगर आपको इसमें गुनाह की बू आती है तो जाइए, इसकी तहकीकात कीजिए। डॉक्टर शर्मा, सच को तो मैं कब्र से निकाल कर ही रहूंगा। प्यार, ये तू मुझे कहां ले आया? ये अस्पताल का मुर्दा घर है। गुमनाम है कोई? एक झापड़ दूंगा, सीधा उड़ के दफ्तर पहुंच जाएगा, तुम्हें चुप नहीं आ सकता। बड़े लक्की मुर्दे है यार, जिंदा लोगों को तो पंखा नहीं मिलता। क्या क्या फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन है तेरा, यहाँ रहने का बंदोबस्त करूं क्या? नहीं, मेरे को गर्मी चलेगी। चुप बैठ। तेरी जेब में है क्या? ना तेरी जेब में ना मेरी जेब में। एक खूबसूरत लड़की जो मोटी सी थी, जूड़ो के दो तीन हाथ मार के कैमरा ले गई। तेरी तुम गुस्सा मत कर, नाके पे जूड़ो की दुकान है। दुकान नहीं, स्कूल है। चल उठ। चल। Don't disturb me. I'm on job. बाप रे, क्या पछाड़ मारी है। ये तो बड़े पलंग का गदेला है, लेकिन वो तो कोई छोटे पलंग के गदेले जैसी थी। ये कौन है? नहीं, ये भी नहीं, लेकिन होगी इधर ही कहीं। छोड़ूंगा नहीं तुझे, ढूंढ के निकालूंगा। तू छुपी है कहाँ? ta 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 ta
ये साली आग फिर चालू हो गई। ऐसा लगता है कि धुलाई होने वाली है। मजा आया? मजा क्या, सुझा के रख दी। यू इडियट, साला बदमाश, हम पूछता है तुम इधर झांक झांक के क्या देखता था? बोल, ठीक है, देख, खूब आगे खोल के देख, फिर तेरे को लाइफ में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्या अंधा हो जाएगा? नहीं, तुम अंधा नहीं होगा, ये सब लड़की लोग मिलके तेरा चटनी बनाएगा। उसके अंदर लहसुन जरूर डालना। लहसुन क्या, हम प्याज भी डालेंगे साला। किसको बोलती है साली? तेरे को। अरे सब लड़के लोग मुँह क्या देखता है? सब मिलके जो हम तुमको सिखाए उसको हाथ दिखा, मारो साले। तुम अभी तक जिंदा है? थोड़ा बाकी है। मारो, मारो, फिनिश करो। अरे बस कर दो। शोभा, चोरी चोरी हमको देखता था और आँख मारा था ना। अरे इनको बता दो ना कि मैं टकले से डेविस का और आज से लतिका पवार का बेटा हूँ। अरे इसमें इस बेचारे का कोई कसूर नहीं, इसको बचपन से ही ये बीमारी है। जब भी इसकी आँख किसी खूबसूरत लड़की से लड़ती है ना तो अपने आप ही फड़क उठती है। कई बार लड़कियों के हाथ से मार खा चुका है बेचारा, इसे माफ कर दो। माफ कर दो, इतने ये तू इधर कहाँ को आया था? हम बताते हैं, आप उसको हटा सकते हैं? हटा ले। मैं बताऊँ, मैं यहाँ क्यों आया था? मैं यहाँ एक लकड़ी ढूंढने आया था। क्या लकड़ी? नहीं, लड़की। कौन सी लड़की? तुम पहले शुभा ये बताओ कि इन सब लड़कियों में से सबसे अच्छा जूडो कौन जानती है? इस शहर की तमाम जूडो में एक्सपर्ट लड़कियाँ इस वक्त यहाँ मौजूद है, एक को छोड़ के। वो कमीनी कौन है? छाया, वो हम सबके उस्ताद है। अमर, अमर, अरे नहीं नहीं अमर, अरे ये क्या हुआ तुझे? अरे यार तू अमर में से आ निकाल दे, मैं तो मर गया, अंदर गया था, उसके ये इनाम मिला, किस्मत से बच गया हूँ। काम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ काम हो गया, लेकिन खड़ा नहीं हो सकता, मेरी हड्डियां टूट गई हैं। अरे चुप करना। हाँ, लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम है लक्ष्मी छाया। लक्ष्मी छाया? यार उसमें से लक्ष्मी निकाल दे, खाली छाया। लड़के कहाँ है? सूरज भवन। क्या? नहीं, सूरज महल, फ्लैट नंबर 7, वो रूप तारा 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 जू तारा। चल। अरे कहाँ से चलूँ यार, मेरी हड्डी। अरे चल एक रात, चल दरवाजा खोल। कोई हरकत नहीं करना जेम्स बॉन्ड, वरना। अरे बड़े बहादुर आदमी हो यार, अस्पताल से कब छूटे? अभी बताता हूँ। कालो छोकरे पर सिगरेट का चक्का लगा उसके गाल पे। अरे अरे रुको यार, इस बेचारी दुबली पतली बच्ची पे क्यों जुल्म कर रहे हैं? बच्ची? ये भी तुम्हारे जैसे बिल्कुल जहर की पुड़िया है साली। एक घंटा से पूछ रहा हूँ कैमरा कहाँ छुपाया, कुछ बताती नहीं। तू मदद करेगा? अब तुझे ही पहले यम लोग पहुंचाता हूँ, इससे बाद में निपट लूंगा। चल भगवान को याद कर बेटा। अरे सुनो यार, कानून भी मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी करता है, अगर तेरी इजाजत हो तो एक सिगरेट पी। चल 10 तक गिनता हूँ, जो करना हो कर ले। वो तो करना ही पड़ेगा। 1, 2, 3। इसलिए कि तुमसे इत्मीनान से मोहब्बत कर सकूं। खबरदार, जो एक कदम आगे बढ़ा है मैं शोर मचा दूंगी। अरे लात चलाने का बड़ा शौक है, जरा काम की बात हो जाए।
ये पिस्टल आपका है जी? ये बैलकनी भी आप ही का है जी? हाँ। खोपड़ी देख रहे हैं ना, खोपड़ी, ये खोपड़ी आउट एंड आउट मेरी है। दरअसल बात ये भाई साहब की, सुनिए, इस बदमाश से मुझे बचाइए प्लीज, पुलिस को फोन कीजिए जल्दी। पुलिस? क्या लफड़ा है भाई, क्या लफड़ा है ऐसा? बात क्या है कि ये मेरी बीवी है। हाँ। और पिछले दो महीने से पागल होगी, पागल पागल होगी। तुम, तुम्हारा सारा खानदान। ठीक ही कहा था। अब आप जल्दी से यहाँ से भाग जाइए, वरना ये आपको गंदी गंदी गाली देगी। गाली? सुनिए, मैंने ये सब आपसे नहीं कहा था। बहन जी, मौसी, माता जी, क्या बोलू भाभी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये आपके पति हैं। हाँ। पति होंगे तुम्हारे, शराबी बेवकूफ कहीं का। गया बरत किधर है? इधर आप पास है? नहीं, मेरे पास है। आधा उधर किया, बाद में काम आएगा। बहुत लफड़ा चालू है घर में। भाभी जी, टाटा। ये लड़की कौन है? मेरी छोटी बहन रजनी। और उस कातिल का नाम जिसके लिए तुम दोनों काम करती हो? कौन सा कातिल? वही जिसने एयरपोर्ट पे कत्ल किया था और जिसके भागने में तुम्हारी बहन रजनी ने मदद की थी। ये झूठ है। देखो, तुम्हारी मेरी पहली मुलाकात एडिटर बलराज के दफ्तर में हुई थी, जहां तुमने मेरी जेब से घुंघरू मारा और उसकी लाश मेरे लिए छोड़ दी। उसके बाद तुमने महेश से वो कैमरा मारा जिसकी तलाश में तुम्हारे रिश्तेदार अभी आए हुए थे। ये सब भी झूठ है? इन चीजों से आपका वास्ता? मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूं। फिर तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। देखो, तुम मेरी बातों का सीधा सीधा जवाब दो, वरना पुलिस स्टेशन में तुम्हें इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी। देर किस बात की, ले चलिए ना पुलिस स्टेशन। यही जानने के लिए मैं इसे यहाँ लाया था, लेकिन आपकी लोकल पुलिस कमाल है। क्यों, क्या हुआ? सबके सब इसे देखते सलाम करने लगे। अच्छा, मैं अभी सबको बुलाकर पूछता हूँ। ए लड़की, कौन हो तुम? सर, इस बड़े जासूस को आप ही बता दीजिए ना मैं कौन हूँ। क्या मतलब? जैसे तुम भैंस की तरह बांध कर लाए हो, वो यहाँ की लोकल सीआईडी ब्रांच की इंस्पेक्टर छाया है। वाह वाह, क्या मिसाल दी आपने। शायद इसीलिए यह केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अकल और भैंस का कोई रिश्ता नहीं। Shut up. मैडम, जासूसी बेवकूफों का काम नहीं है, इसके लिए अकल और हिम्मत की जरूरत होती है, समझी? आपकी हिम्मत तो उसी दिन देख ली थी, यूं चारों खाने चित पड़े थे। अमर, रस्सी खोल। जी। देखो, ये दफ्तर है, यहाँ अपने पैंतरे मत दिखाना, समझी? देखा सर, मेरी समझ में नहीं आता ये हंटर वाली मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। इंस्पेक्टर छाया मेरी राय से काम करती है। इसका मतलब ये है कि वो घुंघरू और कैमरा भी के पास होगा। जानते हो इस घुंघरू में क्या है? जी नहीं, मैंने चेक नहीं किया। हीरा। घुंघरू वाली लड़की, सर वो कैमरा का है? वो गिरकर टूट गया और फिल्म बिल्कुल बर्बाद हो गई। आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? अमर, कत्ल जैसे संगीन मामले में मैं कभी मजाक नहीं करता। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उस लाश की दोबारा फोटो ले लूंगा। बिल्कुल बेकार, यूके एडिटर बलराज की लाश अभी तक जलकर खाक हो चुकी होगी। तो मैं यहाँ अकेला हूं? नहीं, फिलहाल तो हम दो हैं। शुक्रिया। फिलहाल तुम इतना पता करो कि इस गुनाह में तुम्हारी बहन का कितना हाथ है। वो
दीदी आज तुम जल्दी आ गई। रजनी क्या तुम रोज इसी वक्त आया करती हो? नहीं दीदी मैं तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तुमने शराब पी है? नहीं दीदी मैंने शराब नहीं पी, मैंने तो सिर्फ नशे की गोली खाई। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हें डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी दिलाई। सोचते हुए शर्म आती है कि पुलिस अफसर की छोटी बहन नशे की गोलियां खाती है और उसे उसका पता तक नहीं। मुझे इसकी आदत लग गई। कौन ना कर देता है तुम? मैं उसका नाम नहीं जानती। तुम्हें उस दिन एयरपोर्ट किसने भेजा था? उसका नाम फ्रेडी है, मेरे साथ स्टोर में काम करता है। बेवकूफ लड़की, वहाँ एक कत्ल हो गया है और कातिल तुम्हारी वजह से भाग निकला है। भगवान करे ये इल्जाम तुम पर साबित न हो, वरना मुझे तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनानी पड़ेगी। खैर आज से तुम अपने कमरे के बाहर नहीं निकलोगे, सुन रही हो रजनी? झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन। कमरे में आ गई। वाह पाइपलाइन पकड़ के उतर रही है फियरनेस नाडिया। जो आज तुम्हारी आंख मारते है? अरे ये साला बांद्रा का बच्चा तुम्हारी औरत को आंख मारता है? अरे मैं इतना बुढ़ा हो गया फिर भी मारी औरत को आंख नहीं मारता हूँ। अरे तू है जो आ तो तने काठियावाड़ी भाईरे का हाथ बताता हूँ। हाँ अरे एक गाठिया खाओ, इतनी उम्र हो गई अभी तक अपनी औरत को आंख नहीं मारा? अरे इसलिए तो वो रोती है, मार आंख उसको। ये तू खाली है, मुझे भी तुला दाखा दो। अरे तू काय मला दाखा तो मी तुला दाखा तो। आमचा आजचा कार्यक्रम संपला, आता आमची भेट पुढे। हां मेल्या सीडी आणते आणि आता तुला सरळ नरकात पोहोचवते। जाओ अरे तू काय सीढ़ी आंतो, तू तो इसकी सीढ़ी तू खुद ही आना, मैं उतरता हूँ। थल्ले उतर तनु तकते हैं, थल्ले है तो तनु तकलीफ हो जाएगी। कबूतर दिया पुत्रा गुटोगू, वो तू लोकानियां औरतों नु अखा मार दे। पापे ये औरतें तेरी होंगी, मेरी तो माँ है। रोया पीटिया अभी तू आंख मारता था और अब बोलता है कि माँ हूँ, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है? ए माई उम्र तो मेरी, तेरी तो उम्र है। मर गया कुड़िया नु देखदा रहंदा। माँ अगर तू कुड़ी है तो मैं तो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। ओ पापी जी, पापी जी सारी दुनिया में आप ही एक अकलमंद आदमी है। हाँ बोलो फिर जी, की बोल दे? आंख कम चलती है और मैं तीन दिन से देख रहा हूँ आपकी औरत को ये गुजराती धड़ाधड़ आंख मार रहा है। मारो मैं अखा मार मारो। क्या सारे बदबू आ रहे हैं? अगर थोड़ी देर और मैं इधर रहा तो ये नाक गटर बन जाएंगी, अकेले काम नहीं चलेगा। फाल निकालो फाल। आ जा लग जा उंगली से उंगली। अरे अरे किधर गई? बन जाओ गई फिर ये
नन नन क्या आया? ए कौन है तुम? आदमी हो भाई? यहाँ किस लिए आए? ये बस स्टॉप तुम्हारे बाप की चौकी नहीं है भाई, ये 211 नंबर की बस कब आएगी भाई? ये बस स्टॉप नहीं है। तो फिर ये क्या है भाई? चलो बाहर जाओ। जाता है। इधर नहीं, ये गेट इधर है। गेट इधर है? अच्छा। ये क्या कर रहा है? गेट खोल रहा हूँ। गेट इधर है, चलो बाहर जाओ। चले आते हैं। अब तक तुमने जिंदगी को मौत से खेलते हुए देखा होगा, आज तुम पहली बार मौत को जिंदगी से खेलते हुए देखोगे। रियल? हाँ। मैडम आप कहाँ थे? मुझे नशा दो। नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। इतनी जोर से दबा दिया कि सारे बदन का दर्द निकल गया। बिल्कुल दशहरी आम हो रही है। इतनी जल्दी भी क्या है? प्लीज रियल, प्लीज आइए। अरे जारो, यार जल्दी से निकाब पहन के तलवार लेके फौरन चले, वरना गड़बड़ हो जाएगी। देखो तुम्हारे से हिलना मत। ये नशा जान में मेरी है, जान मेरी है ये जो हमने
आपका मरीज से क्या रिश्ता है? अरे कोथमीर के कट्टे, रिश्ता होने की दुआ करो यार, अपना कोई रिश्ता रिश्ता ऐसा है नहीं। लेकिन रजनी की तबीयत कैसी है? अमर वो रजनी आप ठहरिए। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं डॉक्टर शर्मा, एक जिंदगी का सवाल है। बलराज जी की मौत पर आपने पर्दा डाल दिया था, लेकिन अगर रजनी को कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर अमर, मरीज की हालत ठीक नहीं है, मुझे अपना काम करने दीजिए और आप दोनों बाहर जाइए। यार अमर, ये चक्कर क्या है? देखो तुम इस डॉक्टर पे कड़ी नजर रखना, समझे? आज तुम्हारा मौन व्रत है क्या? ये सोच रही थी कि अगर आज तुम न होते तो क्या होता। सच कह रही हो, अगर आज मैं ना होता तो मछलियां जमीन पे आ जाती और आदमी पानी के अंदर चले जाते हैं। छाया, जिंदगी लेना और देना चंद गुनाहगारों के हाथ में होता तो ये दुनिया लाशों का ढेर हो जाती। अमर, मेरी माँ बचपन में चल बसी, मैंने पढ़ाई खत्म ही की थी, पिताजी रजनी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गए। उस दिन से आज तक कभी उसे मेरे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। आज तुमने रजनी को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। एहसान का बोझ लाद के मेरे फर्ज की कीमत मत घटाओ, और फिर अब तो हम एक ही राह के मुसाफिर हैं। तुम्हें याद है अमर, एक दिन तुमने कहा था मैं यहाँ अकेला हूँ। हाँ याद है, एक बहुत अच्छा शेर याद आ गया। मुझे सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राहों में चल गए। कहिए अब किसकी जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया? शेरा साहेब तुमसे बहुत खुश है, एक तुम हो जिसने भरी भीड़ में अपना काम कर दिखाया, और एक ये है जिसे हमारे घर आकर दुश्मन तमाचा मार गया और ताला लगा गया। अच्छा तो इसकी गर्दन मारने के लिए बुलाया आपने मुझे? नो, आज से तुम रॉकी की जगह संभालोगे, और रॉकी तुम्हारे इशारों का गुलाम होगा। आपने मुझे इस काबिल समझा, शुक्रिया, लेकिन मेरी एक अर्ज है, जब रेस के घोड़े की टांग टूट जाती है तो उसे गोली मार दी जाती है, लेकिन जब शेर की टांग टूटती है ना तो और ज्यादा खूंखार हो जाता है। इसलिए रॉकी प्यारे, तुम अब कुछ दिनों के लिए अपनी गुफा में छुपके रहो, क्योंकि तुम अपनी बेवकूफी से पुलिस की नजर में आ चुके हो। अब जल्दी से बताओ इसमें बीच की उंगली कौन सी है? ये तो अंगूठा है। फिर से जल्दी है, जरा उंगली को जोर से पकड़ना, छोड़ना नहीं। कौन सी बीच की उंगली? ये मुकरी है। फिर से बताओ। नहीं नहीं दो। महेश जी आप कितने अच्छे हैं,
मैं जानता हूँ मैं कितना अच्छा हूँ, मस्का मार रही हो, कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ अभी तुम मुझसे दम मारो दम की गोली मांगोगी। प्लीज नहीं, मुझे गोली के नाम से नफरत। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो सब... मैं बिल्कुल ठीक हो गई, देखना। ऐसे नहीं, एकदम ठीक हो जाओगी तो तुम मुझे खिलाना, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तो अभी क्या करें? उसका भी प्रबंध है। ये लीजिए। मैं आपसे बात नहीं करती, और फिर मैं आपसे क्यों बात करूं? आप खुद कौन है और फिर यहाँ क्यों आते हैं? जाइए चले जाइए यहाँ से। ठीक, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। अरे रे, आप तो रो रहे हैं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था कि आप किस रिश्ते के एक बार से मुझे गोलियां खाने से रोक रहे हैं। मेरा आपका रिश्ता सदियों से है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है। आप मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए, अरे आप रोइए मत प्लीज। मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। न जाओ सैया छुड़ा के मैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जो मेरी गली में आ जा पियाए। अल्लाह के नाम। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, लेकिन इंजेक्शन की सुई इतनी बड़ी नहीं होती। हिमले से खट्टे हूँ मैं, मीठे गुड़ के ढेले से, अरे खुश हो तो चले दी हूँ, पर गुस्से में हूँ बाजी करेले की। हिमले से खट्टे हूँ मैं, मीठे गुड़ के ढेले से, खुश हो तो चले दी हूँ, पर गुस्से में हूँ बाजी करेले की। अरे दिल चूहे दानी मेरे, बाल मच्छर दानी मेरे, नैन सुर में दानी रसिया, हे तुझे प्यार मैं करना सिखला दूँ, आ किसने पे मरना सिखला दूँ। मेरे पाँव के घुंघरू कहते हैं, उन पाँव से हमको लिपटा ले, अरे तू भी आजा झटपट, सीने से मैं दिल पट खट पट छोड़ दिया, तुझे प्यार मैं करना बंद करवा दिया, और ट्रक रैकेट भी ट्रिक पूरी बर्बाद कर दिया। अगर कुछ दिन यूं ही चलता रहा तो मुझे यकीन है अमर मैं फिर बात करूंगा। कहो सर, रेड में इस तरह के कई एक तारे बरामद हुए हैं। और वो लड़की? वो भाग निकली। वो भाग निकली और आप बुलेट कैसे यहां चले? वो लड़की बड़ी तेज थी मिस्टर कुलकर्णी, ये आपके लिए बहुत शर्म की बात है, आप जल्दी से तलाश कीजिए। तुम जरूरत से ज्यादा सख्ती से काम ले रहे हो। गुड आफ्टरनून सर। भूखा आदमी कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आता है। इंस्पेक्टर कुलकर्णी, तुम जा सकते हो। सर, आज के रेड में सेठ दीनदयाल का भतीजा अविनाश भी पकड़ा गया है। सेठ जी का भतीजा वहां क्या कर रहा था? वो भी एक तारे खरीदने वालों में से एक था। ओ, फिर तो एक तारा बड़ी अहमियत रखता है। इंस्पेक्टर, सेठ जी के भतीजे को यहाँ ले आइए। जी। बस अब जोगन के कपड़े पहन लो, चंदा काफी मिलेगा। बोर मत करो,
मुझे एक तारा दे दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे एक तारा दे दीजिए, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे एक तारा प्लीज प्लीज मुझे एक तारा दे दीजिए। मिलेगा मिलेगा, पहले उस लड़की का नाम बताओ। मुझे कुछ नहीं मालूम उसके बारे में, प्लीज प्लीज मुझे एक तारा दे दीजिए। तारा चाहिए तो उस लड़की के बारे में सब कुछ बता दो। उसका उसका नाम चंपा है। कहाँ रहती है वो? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे एक तारा दे दीजिए। क्या जमाना आ गया सर, आजकल भैंसों को भी अकल आनी शुरू हो गई है। फिर बकवास शुरू। अच्छा सर मैं चलता हूँ, मुझे जरा वो चंपा की तलाश है। ठहरो, तुम दोनों ने इस केस के बारे में मुझे काफी अंधेरे में रखा है, मुझे इस केस की पूरी रिपोर्ट चाहिए। जी। हेलो कमिश्नर साहब। हेलो दीनदयाल जी, आइए आइए। तो आपको अविनाश की खबर मिल गई? अभी शहर में से कौन नहीं जानता अमर, सेठ दीनदयाल का वारिस। और सवाल आप में? आप चिंता मत कीजिए, अब मुजरिम ज्यादा दिन मुझसे नहीं बच सकता। मुझे पूरा यकीन है कि एडिटर बलराम, क्योंकि ऐसी ही एक तार मुझे उनकी मेज पे मिली थी। सुना है तुमने दुश्मनों का काफी नुकसान किया है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मत मारो, ये भूल मुझसे अनजाने में हो गई। गुनाह की दुनिया में कोई भूल की गुंजाइश नहीं होती। यहां एक हाथ में पैसा होता है और दूसरे हाथ में मौत। अब मेरी जान लेने का इरादा है क्या? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से घुंघरू पुलिस तक पहुंच गया, तुम्हारी वजह से हितारा एडिटर बलराज के यहाँ पहुंच गया। बताओ तुम्हें क्यों ना ऐसी कोई जगह पहुंचा दिया जाए जहां से तुमसे कोई नहीं, मैं दूसरी गलती करने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मर गई क्या? जग्गू से ले जाओ, तहखाने में बंद कर दे। साहब तुमसे बहुत खुश हैं। वैसे तुम अच्छे खासे जालिम इंसान हो। इस हंगामे में तो रजनी का भी हाथ है। रजनी? फ्रेडी, मुझे रजनी का पता चाहिए। देख लो प्यारे,
हम तो हमेशा मौके पे पहुंच जाते हैं। लेकिन हाँ, तुम लाइब्रेरी जाने से पहले मुझे फोन नहीं कर सकती थी? मैंने तो सोचा था। तुमने सोचा था कि तुम अकेले ही कद्दू में तीर चला लोगे? हाँ, जितना मोटा जिस्म उतनी मोटी अकल। लो, जरा सी लिफ्ट मिल गई, शान पर चढ़ गए। किसने कहा था तुम्हें मेरी मदद करने को? अपनी अपनी आदत है। मेरी आदत है मदद करना और तुम्हारी आदत है बात बात पर काटना। क्या मैं कटखनी हूँ? देखो, अगर तुम्हारे मुझ पर एहसान ना होते ना, मैं तुम्हें वाकई काट खाती। तो काट खाओ ना, देर किस बात? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। हीरा, रचिन का पता मिल गया। कहाँ है वो मौत की खुराक? डॉक्टर शर्मा के हॉस्पिटल में। डॉक्टर शर्मा के हॉस्पिटल में? रेडी? यस। तुम आशा को यहाँ ले आओ। यस। डॉक्टर शर्मा हियर। डॉक्टर, तुमसे एक काम आ पड़ा है मुझे। कैसा काम? तुम्हारा एक काम मैंने पहले भी किया था, लेकिन तुमने मेरी बहन वापस नहीं लौटाई। बस डॉक्टर, एक छोटा सा काम और कर दोगे, उसके बाद मैं तुम्हारी बहन वापस कर दूंगा। अब क्या काम है? रजनी तुम्हारे इलाज में ठीक हो रही है, उसे एक जहर का इंजेक्शन देके मार डालो। क्या बकते हो? मैं डॉक्टर हूं, कसाई नहीं। और मैं कसाई हूं, डॉक्टर नहीं। तुम्हारी बहन मेरे पास। भैया! ये तो मेरी बहन की आवाज है। हाँ, फिलहाल तुम अपनी बहन की आवाज सुन सकते हो। अगर मेरा काम करने से इनकार कर दिया तो वो हाल करके छोड़ूंगा इसका कि देख नहीं पाओगे। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद फोन करता हूं। हेलो रजनी। हेलो डॉक्टर। कैसी हो? अच्छा। जरा अपने आस्तीन ऊपर उठाना। ओ डॉक्टर, कब तक आप मुझे इंजेक्शन देते रहेंगे? बस ये आखिरी इंजेक्शन। रियली? इसके बाद तो मैं तुम्हें गोलियां भी नहीं दूंगा। ओह, थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, काम हो गया? हाँ, हो गया। मुझे आपकी जबान पर भरोसा तो है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए जेनी रजनी की लाश देखने के लिए यहां से जा चुकी है। आई। ये रही रजनी की लाश। यस, वेरी गुड। ड्राइवर सब ठीक है? यस मैम साहब, लाइन क्लियर है। डॉक्टर, हम आपसे बहुत खुश हैं। आपने अपना फर्ज पूरा किया, अब हम अपना फर्ज पूरा करते हैं। छोड़ दो इसे। भैया, भैया, भैया। मेरी बहन, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। कैसी हो? अच्छी तो हो ना? हाँ भैया। वाह, क्या फीलिंग है। बहन आफ्टर ऑल बहन होती, बट द होल थिंग इज दैट, कैसे उल्लू बनाए वो लोग को। बट द होल थिंग इज दैट, सबसे बड़ा उल्लू तो मैं हूं। मेरी रजनी तो वहां कुल्फी बन गई होगी। मैं आ रहा हूं रजनी। इतने सारे खाने में जाना, मेरी लाला किस खाने में? लाला कहाँ? मैम इधर ही है। बाप रे, ये क्या है कि मुर्दों को ऐसे रखते हैं क्या? मैं लेकिन रजनी गंधा, मैं तुम्हें देख नहीं सकता। तुम एक काम करो, तुम मुझे लपट जाओ ताकि मैं आंखें खोल सकूं। नहीं प्लीज, लपट जाओ ना। हाँ ठीक है, नो आई कैन ओपन माय आईज, नो ही विल, नो आई कांट। आई एम सॉरी।
भाभी जी यहाँ भी आओगे? अरे छाया मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरा पीछा मत करो। ओए लैला तेरे प्यार में मजनू रोता है। चलो चलो मत शोर करो। अरे हाय लैला मेरे हार्ट में कुछ कुछ होता है। चलो चलो मत बोर करो। ए, अंग्रेजी में है लव, हिंदी में है जो प्यार। अंग्रेजी में है लव, हिंदी में है जो प्यार। वो ही मुझे हो गया। Shut up. अरे वो ही मुझे हो गया। क्या कहा? ठीक कहा। ठीक कहा? हाँ हाँ ठीक कहा। चुप मोटे। बको मत। ओए लैला तेरे प्यार में मजनू रोता है। तेरे प्यार में मजनू रोता है। अरे हाय लैला मेरे हार्ट में कुछ कुछ होता है। मेरे हार्ट में कुछ कुछ होता है। पास बैठूं? ना जी। अरे मान जाओ ना। नहीं। अरे कहाँ चली, जरा ठहरो ना। बिल्कुल नहीं। तो फिर चली जा मोटी। पागल, तुम सुधरोगे नहीं। क्या करते हो बेशरम। ओए छाया तेरे प्यार में अमरू रोता है। तेरे प्यार में अमरू रोता है। हिंदी में है जो प्यार, वो ही मुझे हो गया। हर वो ही मुझे हो गया। पागल कोई हो गया। अरे हो गया, वो ही मुझे हो गया। ना पागल कोई हो गया। अरे बिल्कुल, वो ही मुझे हो गया। है कि नहीं? हमार तुमने बदमाशों का ड्रग रैकेट पूरी तरह से तबाह कर दिया है, लेकिन असली मुजरिम अभी तक हमारी नजरों से दूर। असली मुजरिम को ढूंढने का तरीका मैंने सोच लिया है। मैं सारी डायमंड मार्केट को चेक करूंगा। क्या आप बच्चों जैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा मतलब है तमाम जौहरी बुरा धंधा करते हैं? नो सर, इनका मतलब है कई शरीफों के बीच एक बदमाश मजे से छिपके रह सकता है। करेक्ट सर, अगर वो घुंघरू वाला डायमंड आप मुझे दे दें तो मुझे छानबीन में सहूलियत होगी। ठीक है। हेलो, थैंक यू सर। सर एक और बात, मैं चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर छाया भी मेरे साथ मेरी वाइफ बनकर। क्या बकते हो? फिल्मी वाइफ यार। तुम दोनों जा सकते हो। स्पीकिंग।
भी वो दोनों डायमंड मार्केट गए। लगता है आज वो पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे। देखिए जनाब, मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ। अरे तो ऐसा मत कीजिए, वरना मामला तलाक पर जा सकता है। जी मैं समझा नहीं। आप देख रहे हैं मेरी तीसरी बेगम मेरे साथ है। मुंह दिखाई में एक बढ़िया सा हीरो का सेट चाहती है मेरी जान। अब वही जो अक्सर इश्क में हुआ करता है, दिल का दर्द। काफी दिलचस्प आदमी है आप। बताइए क्या पेश करूं बेगम। उसका नमूने वाला हीरा तो दिखाइए। हाय हाय, हाथ क्या है, मुजस्सिम हसीन चेहरा है चेहरा। लीजिए मुलाहजा फरमाइए। कितनी लागत की ये हीरे खरीदना चाहते हैं आप? लागत? खुदा आपको जन्नत बख्शे। हजरत मेरे पास मेरी सारी जिंदगी का सरमाया 20 लाख रुपए हैं। हीरे दीजिए और रसीद उसी चाहिए। ठीक, कल शाम को आप तशरीफ ले आइए, माल मिल जाएगा। इंशाल्लाह कल शाम को मुलाकात होगी। आदर्श। चलो बेगम। अरे बेगम जरा आहिस्ता चलो, तुम्हारे जिस्म की गर्मी से हमारा। अरे असलम मियां, असलम मियां काम बना? ये कौन है? असलम मियां ये तीसरी है या चौथी? ये हमारी तीसरी बेगम है। भाभी अरे अरे कहां भाग रहे हो प्यारे मियां? अपनी भाभी को बाहर जरा हगड़ी तक पहुंचा दो। घबराओ मत, घबराओ मत बेगम, ये अपनी बिरादरी के हैं। लेकिन ये तो शराबी। अरे शराब तो इनका एक अंदाज है, दरअसल इनकी बोतल में शरबत है कोका कोला भाभी। अरे अरे मियां मेरा शिकार जा रहा है। हाँ मैं छोड़ता हूँ। भाभी जी आइए, ये आप ही की गाड़ी आइए। अमर साहब, हम अपने दुश्मनों को इस तरह सलाम करते हैं। ऐसे कमाल हमने सर्कस में बहुत देखे हैं। ये रहा तुम्हारा इनाम और ये तुम्हारे सलाम का जवाब। कसम उस्ताद की बहुत ऊंची चीज है। और कसम भगवान की तुम बहुत कमीनी चीज हो। अमर, मैं अपने सगे बाप की औलाद हूं, मुझे गाली मत देना। अच्छा शेरू, एयरपोर्ट पर तूने जिसके सीने में चाकू उतारा था वो भी अपने बाप का बेटा था। काश मुझे कानून इजाजत देता और मैं तेरे सीने में चाकू उतार कर अपने दोस्त की मौत का बदला ले सकता। मेरी मौत मेरी मौत खंजर की शक्ल में मेरे पंजे में कैद रहती है। अमर बाबू, मैंने तुम्हें जानबूझ के जिंदा छोड़ा, जानते हो क्यों? क्योंकि जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो उसकी अकल उल्टी हो जाती है। तो समझ लो तुम्हारा बुरा वक्त आ गया। मैं तुम्हें इस तरह की मौत मारना चाहता हूं जिसे तुम अब खुद अपनी आंखों से देख सको। बिल्ली के पंजे में फंसे हुए चूहे की तरह बचने की कोशिश करो और धीरे धीरे उसका शिकार हो जाओ। शेरो बच्चे, वैसे मौत फांसी के तख्ते पर भी
काफी हसीन होती है। मौत करने वाले तुम पुलिस वाले बड़े ढीठ होते हो। मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम और ज्यादा स्मार्ट नजर आते हो। अरे इस बात का मतलब तुम भाड़े के टट्टू क्या लोगे? याद रखो शेरू, इस तरह मैंने तुम्हारा ड्रग रैकेट तबाह किया है ना, उसी तरह एक दिन तुम सबको तबाह कर दूंगा। अगर जिंदा रहे तो। कौन है वे भुतनी के? इतने दिनों बाद चले ना। क्या बार हुआ क्या? ये सब छोड़ के मॉडल बन जाना चाहिए। मेरा जिस्म इतना अच्छा है। लो, पी लो। चंपा, तुम्हारे मतलब की बात तो हो गई, अब जरा मेरे मतलब की बात हो जाए। इतने दूर से लो, कर लो मतलब की बात। चंपा, घुंघरू वाला चक्कर क्या है? घुंघरू को मारो गोले। घुंघरू वाले की बात करो ना, मुझे होश में बात करने वाले आदमी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पहले जरा काम की बात हो जाए, उसके बाद कौन कमबख्त होश में रहना चाहता है। जानी, कई आए और गए चंपा के ठेंगे पर, मगर तुझे देखकर चंपा खलास। क्यों, जगपाल भी तो था? अरे नहीं, वो तो दिन रात मेरे पीछे लगा रहता था, इसीलिए तो। अरे मुझे दाढ़ चढ़ गई है। इतनी जल्दी? चंपा, ये हीरे आते कहां से? ये बदमाश लोग बाहर से हीरे लाते हैं और उन्हें गांजा नशे की गोली देते हैं। ये चरस का और हीरो का लेन देन कहाँ होता है? नहीं बताऊंगी। चंपा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे ठीक है, मेरी जैसी औरत ने एक काम तो भले का किया,
अब तुम भी मेरे ऊपर एक ऐसा कर दो ना। वो काम थे जो अभी टॉयल लपेटे तुम्हारे कमरे से बाहर निकले। क्या कहा? चंपा चली गई। ओह माय गॉड, ये बहुत बुरा होगा। क्यों, कुछ कसर बाकी रह गई है क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। अरे मैं तो बस बस, तुमने मुझे आज जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा दिया है। इतने जिम्मेदार आदमी होकर इतना गिर सकते हो, मैं कभी नहीं सोचा था। और इतनी समझदार होकर मुझे हाथ मत लगाओ। जानते हो आज मेरा जन्मदिन है। सोचा था सुबह सुबह तुम्हें खबर देकर सबसे पहले तुमसे मुबारकबाद दूंगी। कोई बात नहीं, चलो मेरा रास्ता मत रोको। मुझे अफसोस है तुम जैसे आदमी के साथ मैंने अपने जज्बात जोड़ लिए। चाहे मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम उसके साथ मुंह जुड़ाने के लिए आजाद हो। हैप्पी बर्थडे। क्या बात है? मुझे लगता है सर, आजकल अमर अपने काम से ज्यादा दिलचस्पी उस गैंग की लड़कियों में ले रहा है। वो घुंघरू वाली लड़की बजाय हवालात के सारी रात उसके कमरे में रहे। What nonsense? डिसिप्लिन का ख्याल रखो। मैंने तुम दोनों को काफी छूट दे रखी। मैं सीरियस हूँ सर, लगता है अमर की बदमाशों से दोस्ती हो गई है। वो जान बूझ करके इसको लंबा कर रहा है। ठीक है, मैं अमर के बारे में सोचूंगा। तुम्हें इस केस में पूरी छूट है। थैंक यू सर। वैसे मुझे बदमाशों के अड्डे का पता चल चुका है। ब्लू डायमंड उनका अड्डा है, सारे हीरे वहीं से सप्लाई होते हैं। तुम जानती हो ब्लू डायमंड का मालिक कौन? सेठ दीनदयाल। सेठ दीनदयाल? लेकिन वो तो सर, देखो छाया, तुम हमारे डिपार्टमेंट की एक जिम्मेदार ऑफिसर हो और मैं नहीं चाहता कि तुमसे बगैर सबूत कोई ऐसी भूल हो जाए जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए मैं वहां के लिए जाना चाहती हूँ सर, सबूत की तलाश में। मैं जानता हूं तुम एक बहादुर लड़की हो, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर तुम्हें वहां अकेला नहीं जाना चाहिए। जिस दिन मैंने इस डिपार्टमेंट में कदम रखा था, एक कसम खाई थी, फर्ज की राह में जान भी देनी पड़े मेरा कदम पीछे नहीं हटेगा। तो जुड़ो के एक्सपर्ट हो गई। अरे तुम्हारी बहन जो हूँ, अब देखना आ जाए कोई सामने, थोबड़ा तोड़ कर दे दूंगी उसके हाथ में खेलने के लिए। चलो मेरी एक चिंता तो दूर हो गई। चिंता? कैसी चिंता दीदी? अब तो अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। महेश कहाँ है? आता होगा। अच्छा, हम सफर मिलाए तुझे, तेरी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। तुम्हारे उस जेम्स बॉन्ड का क्या हाल है? रजनी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो नशे वाली आदत फिर से न डाल लेना। क्या बात है दीदी, तुम्हारे चेहरे पर रोज वाली ताजगी नहीं है। हट देखो, तू तो जानती है मेरी पुलिस की नौकरी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं दीदी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, तुम्हें मेरी कसम। अरे पगली, तू तो जानती है तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कभी कभी तुझे देखती हूँ तो बहुत प्यार उमड़ाता है। हाँ, मैं तुझे बताने आई थी, शायद मैं तुमसे मिलने कुछ दिन नहीं आ सकूंगी। क्यों, कहीं जा रही हो क्या? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या बच्चों जैसे बातें करते हो? मुझे किसी मिशन पर जाना है, ये बात तुमसे नहीं बताई जा सकती। महेश नहीं आया? खैर मैं चल। दीदी, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही हो। रजनी, अपने आप को सच साबित करने के लिए मुझे कसम खानी पड़ेगी। नहीं, मैं चलती हूँ। पहले तुमने रॉकी को उल्लू बनाया और उसके बाद तुमने बॉस का कमरा संभाल लिया और अब शेरा पे नजर। शेरा,
औरत हमेशा मर्दानगी को सजदा करती है। आते ही तुमने रॉकी की छुट्टी कर दी, गैंग का चूहा बना दिया। और तो और मेरी जान, बॉस भी तुमसे घबराता है। क्या बकती हो? अरे जालिम, मैं तुम्हारी दादा, हम दोनों मिलकर है ना। मेरा ख्याल है कि आप जेनी की वफादारी से बहुत खुश होंगे। आप सही समझते हैं, इससे पहले कि नागिन डस ले तो उसका सर कुचल देना बहुत जरूरी है। कहिए क्या खिदमत करूं आपकी। आप चिंता न करें, जब चाकू शेरा के हाथ में होता है तो मौत मरने वाले की गर्दन पर होती है। 5 मिनट के अंदर अंदर जेनी की लाश आपके कदमों में होगी। अच्छी बात है, बहनों में मेल मिलाप होना चाहिए। आज वो कुछ अजीब बहकी बहकी सी बातें कर रही थी। तो ज्यादा बेवड़ा मान लिया होगा, और पीना कभी कभी अच्छा है। उन्होंने पी नहीं थी, बल्कि उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि अब वो मुझसे कभी नहीं मिलेगी। अब ऐसा लग रहा है जैसे तुमने बेवड़ा मारा होगा। समझने की कोशिश करो। एक मिनट, करता हूँ। हाँ, स्टार्ट करो, बोलो। महेश, तुम नहीं जानते, दीदी अपनी फर्ज की खातिर दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकती है। अरे तो कुर्बानी देना तो बहुत अच्छी बात है। मजाक मत करो, मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो मौत के मुंह में ना जा रहे हो। अगर वो गुंडों के जंगल में फंस गए, वो लोग बड़े जालिम हैं, खतरनाक है। रजनी, तू तो सचमुच करो ना लगी। अगर ऐसी बात है तो अपन उनकी जरूर मदद करेंगे। मगर कैसे? तुझे उन गुंडों में से किसी का पता या अड्डा कुछ मालूम है? अड्डा? मुझे रॉकी का घर मालूम है। रॉकी कौन? उस गैंग का एक खास आदमी है, मुझे नशे की गोलियां देने के लिए एक दिन फ्रेडी वहां लेकर गया था। तो फिर मत मेरी जान, समझ ले काम बन गया। गंदी नाली के कीड़े को कभी खुशबू पसंद नहीं आती। अरे मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुझे झोंपड़े में से निकाल के मैंने आसमान पे बिठाया, और तूने मुझको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। लेकिन एक बात तू भी याद रख डायन, तूने मुझको दुख दिया है, तू भी दुख पाएगी। दुख क्या आबादना बेकतना है। कौन हो तुम? तुम्हारे दुख का साथी, तुम्हारे गम का शेयर होल्डर। क्या चाहते हो? उन लोगों का अता पता जिनके तुम चमचे हो। क्या पकते हो? गेट आउट! रॉकी, रॉकी मुझे बचा लो। क्या लेने आई हो? चले जाओ यहाँ से। कहाँ जाओ रॉकी? शेरा मेरी बाप बनकर मेरा पीछा कर रहा है।
प्लीज मेरी मदद करो। तुमने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है। चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुमको जान से मार दूंगा। जाओ जाओ। क्या हुआ इसे? वही जो तुम और मैं दोनों देख रहे हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन तुम कौन हो? रॉकी का भाई, हॉकी। हॉकी? हाँ, अगर यहाँ शेर आ गया तो तुम्हें कच्चा खा जाएगा। नहीं। तो फिर जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। क्या? तुम्हारे अड्डों का आता पता मुझे बता दो। चोर बिसरी, मैं नहीं बताऊंगी। अरे तुम्हारे बाप को भी बताना पड़ेगा। अरे इसे क्या हो गया? तुम्हें रजनी को भूत समझ के डर के मारे बेहोश हो गई है? कुछ पता चला? लेकिन पता चल जाएगा। कैसे? ये सब बातें कान में सुनने वाली होती हैं। सुनो, मेरा कान यहाँ है। तुम्हारे दांत लगते हैं। देख जान, वो तेरे को रजनी का भूत समझ के डर गई। अब अगर उसके अड्डे का पता लगाना है तो अपन सबको भूत बन के उसको डराना चाहिए। अरे कोई है?
नाक नाक अरे नाक नाक नहीं पहले इसके फोड़ आंख नहीं पहले इसके फोड़ दांत फिर चमड़ी के चप्पल बनाएंगे हम अलहुल हक ने हा काट काट अरे नहीं नहीं अरे भून भून नहीं नहीं अरे चलो चलो अरे नहीं नहीं चलो इसको तो कच्चा चबाएंगे हम समुंदर की मछलियां खा जाएंगी आ जाओ मेरे साथ चलो चलो चलो, चलो। Thank you.
चलिए मेरे साथ। डॉक्टर। सेठ जी, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। अविनाश अब चंद दिनों का मेहमान है। नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा ना कहो। अविनाश को किसी कीमत तो बचा लो। वो मेरे स्वर्गीय भाई की निशानी है, हमारे खानदान का आखिरी चिराग। ये बात तो भगवान के हाथ में है। अच्छा, मैं चलता हूँ। मिस्टर अमर, आप? जी, अविनाश के बारे में सुन के बड़ा अफसोस हुआ। हमदर्दी का शुक्रिया। ये तस्वीर किसकी है? मेरे बड़े भाई की, अविनाश के पिता हरदयाल की। क्या हुआ था उन्हें? हरदयाल भाई को बड़ी तेज कार चलाने की आदत थी। एक दफा हम दोनों कार में बैठे एक छोटे से पुल से गुजर रहे थे कि अचानक सामने से ट्रक आ गया और बस एक जोर का धमाका हुआ और कार नदी में गिर पड़ी। मैं कार से बाहर गिर पड़ा, इसलिए बच गया। और हरदयाल भाई। अच्छा, मैं चलता हूं। ये सब किचन का सामान और तकिए किसके मंगाया आपने? इसके लिए मुझे आप सबको एक भाषण देना होगा। मेरा माइक। हाँ। 1, 2, 3, 4 टेस्टिंग। यस। प्यारे सज्जनों, मैं आपसे कह रहे हूं। हाँ, अपने आप से कह रहा हूं। और प्यारी सजनियों, आज ये कहते हुए मेरे तंबू में घबराहट हो रही है कि हम लोगों का आज मुकाबला देश के बड़े बड़े खतरनाक गुंडों से होने वाला है। उन गुंडों के लिए तो हमारे दो हाथ ही काफी है। जी नहीं, आजकल हम लोगों का नारा है नो वायलेंस और नो ढुसो ढुसो। अगर आप लोगों के हाथ उन गुंडों के थोबड़े में चल गए तो उनके थोबड़े सूज जाएंगे, और अगर आप लोगों के पैर उन गुंडों के पसली असली पे चले गए तो उनकी पसलियां टूट जाएंगी। अब मैं कहता हूँ, इसका तजुर्बा मुझे पहले ही हो चुका है। तो क्या आप उन गुंडों को बेलन और धक्के से काबू में लाएंगे? ऑफ कोर्स। आप बेलन से गुंडों को चपाती बनाइए और उसे खाइए, फिर तकिया सराने रखिए और आराम से सो जाइए। इधर आगे बोलो ना। आगे मैं बोलता हूँ। हाँ तो देवियों, आप लोग हैं नए जमाने की पुट्टियां। पुट्टियों का मतलब है छोकरियां। वो पुराना जमाना याद करो, ललिता पवार और दुर्गा खोटे का। उस जमाने की औरतें तख्ता और बेलन हाथ में लेके मर्दों को नचाया करती थी। अगर आप ये बेलन लेकर किसी गुंडे के पीछे पड़ गई तो उस गुंडे को अपनी बीवी याद आएगी, और जब बीवी याद आएगी तो उसे राशन कार्ड याद आएगा, और जब राशन कार्ड याद आएगा तो उसे अपनी संतान याद आएगी, और जब ये सब याद आएगा तो वो साला मर जाएगा। तालियां। लेकिन इसके बावजूद उन गुंडों ने हम पर बुरी नजर डाली तो? उसका इलाज भी मेरे पास है। मेरे पास लाल सुरमा है उनकी आंखों के लिए।
लाल सुरमा? मेरा मतलब है मिर्ची की बुक्की। एक चुटकी मिर्ची की बुक्की गुंडे के आंख में डालो तो आधे घंटे तक कथकले करता रहे। अमर तुम कहां गायब हो गए थे? मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी थी। आप असली मुजरिम को पकड़ने की चिंता कीजिए सर, मैं दुश्मन के घर तक पहुंच चुका हूँ। दुश्मन को दोस्त समझ कर उसकी राय पर चलना कभी कभी बुरा भी हो सकता है। क्या मतलब? तुम इन्हें कहा था, चंपा ने तुमको बहुत सी काम की बातें बताई, वो गलत भी हो सकती है। चंपा ने सच कहा था और इस सच की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। क्या? मैं उसकी लाश देख कर आ रहा हूँ। तो इंस्पेक्टर छाया ने मुझे कहा? इंस्पेक्टर छाया? वो ब्लू डायमंड गई। ब्लू डायमंड? लेकिन आपने सुबह का जाना दिया, वो तो बदमाशों का अड्डा है। ये तो तुमने मुझे कभी नहीं बताया। हर आदमी का काम करने का अपना अपना तरीका होता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अंधेरे में रखो। अब मैं और सबर नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा सबक और चाहिए। अगर आज मैं ब्लू डायमंड से वापस ना आया तो सब कुछ आपके हाथ में है। यहाँ की दीवारें हमारे इशारों पर चलती हैं। आइए आपको रास्ता बता दें। जूडो का शौक हम भी रखते हैं। आपकी भी काफी तारीफ सुनी थी, आज आपका जलवा भी देख लिया। चलिए आपको जरा सी हवाखोरी करवा देते हैं। दिन हमें भी खिदमत करने का मौका दीजिए, हमें भी चूड़ियां पहनाने का बड़ा शौक है। हथकड़ी पहनाने की ट्रेनिंग हमें भी अच्छी तरह मिल चुकी है। शेरा, मालिक का निवाला नौकर के हाथ में अच्छा नहीं लगता। सिर्फ नाम के शेर हो, मुझे अपने मालिक के पास ले चलो। दो नंबर के लोगों से मैं बात नहीं करती। छाया, अब तुम हमारी गिरफ्त में हो। हमें उम्मीद है कि तुम्हारी जुबान खुलवाने के लिए कोई गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। मेरे और आपके बीच में ये अंधेरे की दीवार अच्छी नहीं लग रही। ये अंधेरे की दीवार जब भी हटती है किसी न किसी की मौत जरूर होती है। मौत का नहीं, मैं आपके पास जिंदगी का सौदा करने आई हूँ। जिंदगी का सौदा? हाँ, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था,
मेरी बहन रचना, जिसकी लाश अभी तक हॉस्पिटल के मुर्दा घर में पड़ी है। शायद आप नहीं जानते उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। कौन है? जो आपका भी दुश्मन है और मेरा भी, अमर। तुम्हारी इन बातों में जरा सी भी पुलिस की मक्कारी निकली तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो चंपा का हुआ। तो चंपा मर गई, ठीक है। आपको जो कुछ पूछना है पूछिए, मैं सही सही जवाब देती हूँ। पुलिस हमारे बारे में क्या क्या जानती है? सब कुछ। सिर्फ इस जगह के बारे में मेरे और अमर के सिवा और कोई नहीं जानता। मैं इसका यकीन कैसे करूं? अगर मैं पुलिस लेकर यहाँ आती तो पुलिस वाले अब तक इस घर की ईंटें उखाड़ कर फेंक चुके होते। साहब, सारे मेंबर्स आ चुके हैं। उनकी अच्छी तरह जांच करके हाल में ले आओ। देखा हमारा इंतजाम, हमारी मर्जी के बगैर यहाँ हवा भी नहीं आ सकती। हवा से भी तेज एक इंसान है जिसका नाम अमर है, जो आपकी कॉन्फ्रेंस हॉल में आ चुका है। दोस्तों, गरीबी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि हम अमीर हो रहे हैं। हमें फलता फूलता देखकर हमारा एक अजीज दुश्मन कुर्बानी का बकरा बनकर हमारे बीच आ गया है। थोड़ी देर पहले हमने एक पुलिस की लड़की को अपना मेहमान बनाया। इसी खुशी में हम एक ऐसा रक्स पेश करने जा रहे हैं जिसे आप बरसों तक याद रखेंगे। नाचती हुई हसीना के हाथ में खंजर होगा और हमारे अजीज दुश्मन का सीना इस खंजर का इस्तेमाल करेगा। Thank you.
दुश्मन तो बेनकाब हो गया। अब तुम भी अपने चेहरे से अंधेरे का नकाब उतारो और रोशनी में आ जाओ। लगता है ये शुभ काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। आज वक्त हम पर मेहरबान है। मौत के निवाले अब तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। जग्गू, 5-6 गोलियां इस कमबख्त के सीने में उतार ही दे। जेम्स बॉन्ड का बच्चा, इस बार गिनती नहीं गिनूंगा। तैयार हो जा। तेरे तैयार होने वाले के लिए। लेग्स अप। महेश, तुम का सवाल मैं छा को देता। ओके, लेकिन अमर, नो वायलेंस, वी आर फॉर पीस, पीस, नॉट फॉर पीस। की दौलत लेके तुम अकेले नहीं भाग सकते। दुनिया के लिए तुम मर चुके हो, मगर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं सेठ हरदयाल।
नरदयाल, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, बाहर आ जाओ। हाँ, मैं। मुझे तुम्हारी और छाया की चिंता यहां खींच आई, मगर यहां आकर मैं इस बदमाश के चंगुल में फंस गया। नहीं, जान की चिंता मत करो। नहीं सर, मैं एक मुजरिम के साथ आपकी जान का सौदा नहीं कर सकता। दीनदयाल जी, हाँ, जो अपनी भाई की मौत का फायदा उठाकर लोगों से मौत का खेल खेलते रहे। डाल दो इस बदमाश के हाथ में हथकड़ी। दीनदयाल, मेरी समझ में एक बात नहीं आई, तुमने अमर को दिल्ली से यहां क्यों बुलाया? इसलिए कि कानून की नजर में सेठ दीनदयाल एक इज्जतदार शहरी था, और गुनाह की नजरों में हरदयाल। अगर मुझे जरा भी मौका मिल जाता तो हरदयाल की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। मगर आपने मुझे दिल्ली से बुलाकर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मैंने आपका नकाब उतार कर दीनदयाल और हरदयाल को एक कर दिया। मैं खूब मिशना सुन पिराने पार सारा दरिया दिखाया, मीठा पानी पिलाया खारा। अबे बुड्ढे देवदास, चले से चल जा रहा। अरे ओ साइकिल की औलाद, छाया कहाँ है? उसका तो मुंह सूजा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रही है। देख, मैं कपड़े बदल के आया हूँ। अच्छा लगा। अच्छा लगा। पीछे चलती ऐसे? अरे छाया, मेरी बात तो सुनो। शट अप। ओए लैला लैला, तेरे प्यार में मजनू रोता है। चलो चलो मत शोर करो। अरे हाय लैला, मेरे हाथ में कुछ कुछ होता है। चलो चलो मत बोर करो। ए, अंग्रेजी में है लव, हिंदी में है जो प्यार। अंग्रेजी में है लव, हिंदी में है जो प्यार। तो ही मुझे हो गया।